सो द बोन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज हिप बोन इट इज़ वंस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बोन एंड इस पूरे बोन को हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर फॉलोइंग सब हेडिंग्स जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इंट्रोडक्शन नेक्स्ट हम लोग साइड डिटर्मिनेशन एनाटोमिकल पोजिशन देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इलियम को डिस्कस करेंगे जिसमें इलियम के हम लोग फीचर्स देखेंगे और इलियम के हम लोग अटैचमेंट्स देखेंगे कि एलियम में क्या क्या मसल्स अटैच होते हैं और कौन कौन से लिगामेंट्स अटैच होते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करें तो ये पूरा का पूरा जो हिप बोन होता है ये हिप बोन को हम लोग कहते हैं कॉक्सल बोन भी कहा जाता है इसको या फिर इसको हम लोग इन नामिनेट बोन भी कहते हैं और ये पेल्विक गर्डल फॉर्म करने का काम करता है इस पूरे के पूरे हिप बोन के थ्री पार्ट्स होते हैं फर्स्ट पार्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इलियम सेकेंड पार्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्यूबिस एंड जो थर्ड पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं ईश्यम सो ये टोटल थ्री पार्ट्स हो गए अगर इस कंस्ट्रक्शन को अगर हम लोग ऐसे पकड़ के देखें तो इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर का जो पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं इलियम ये जो फ्लैट एक्सपेंडेड सुपीरियर पार्ट होता है उसको हम लोग इलियम कहते हैं ये जो इस कंस्ट्रक्शन के जो नीचे होता है ये जो फोरमेन होता है इसको हम लोग कहते हैं ऑप्टोरेटर फोरमेन तो ऑप्टोरेटर फोरमेन के जो पोस्टर इंफीरियर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं एशियम और जो इस फो इस इस ऑप्टोरेटर फोराम का जो इंटीरियर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं प्यूबिस तो ये तीन पार्ट हो गया इलियम एशियम एंड प्यूबिस नाउ हम लोग देखते हैं कि ये जो इलियम एशियम प्यूबिस होते हैं ये जो इलियम एशियम प्यूबिस होते हैं ये पोस्टीरियरली ये फ्यूज़ कर करके और फॉर्म करते हैं एसिटाबुलम ये तीनों यहाँ पे फ्यूज हो जाते हैं ये इलियम का पार्ट यहाँ पे फ्यूज़ होगा ये एशियम का पार्ट यहाँ पर फ्यूज़ होगा और ये प्यूबिस का पार्ट यहाँ पर फ्यूज़ होगा और यहाँ पर एसिटाबुलम का फॉर्मेशन हो जाता है तो अभी तक इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया कि इस पूरे बोन के तीन पार्ट हैं जिसको हम लोग इलियम कहते हैं इशियम कहते हैं और प्यूबिस कहते हैं एक ऑप्टोलेटर फोराम प्रेजेंट होता है और एक एसिटाबुलम प्रेजेंट होता है जो कि एक सॉकेट होता है ये जो एसिटाबुलम जो कि एक सॉकेट है ये जो एसिटाबुलम होता है ये आर्टिकुलेट करता है विद द हेड ऑफ द फीमर और ये आर्टिकुलेट कर कर करके हेड ऑफ द फीमर से और बनाता है हिप जॉइंट तो ये एक इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट कैविटी होता है हमारे हिप बोन के अंदर जिसको हम लोग एसीटाबुलम कहते हैं नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि ये जो पूरा प्यूबिस पार्ट है ये प्यूबिस पार्ट ऑफ बोथ द हिप बोन्स मतलब ये वाले हिप बोन का प्यूबिस पार्ट और जो बगल वाला हिप बोन होगा दो हिप बोन होते हैं तो दूसरे हिप बोन का जो प्यूबिस वाला पार्ट होगा दोनों मिल करके प्यूबिक सिंफाइसिस बनाते हैं तो यहाँ पे जो जॉइंट बनता है उस जॉइंट को हम लोग कहते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग पेल्विस कहते हैं जिसमें दो हिप बोन आते हैं सैक्रम यहाँ पे आएगा और कॉकिक्स आएगा तो सैक्रम कॉकिक्स और दोनों के दोनों हिप बोन को मिल करके जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग पेल्विस कहते हैं तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ द हिप बोन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे साइड डिटर्मिनेशन कि कैसे हम लोग डिटर्माइन करते हैं कि ये किस साइड का हिप बोन है सो so, अब हम लोग देखेंगे साइड डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं इस हिप बोन का कि ये किस साइड का हिप बोन है तो सबसे पहले जो फ्लैट एक्सपेंडेड पार्ट हम लोगों को इलियम देखने को मिल रहा है उसको हम लोग सुपीरियरली प्लेस करते हैं तो वो हमने सुपीरियरली रखा इसको सुपीरियरली रखने के बाद हम लोग जो एसेटाबुलम है उसको देखते हैं कि वो लेटरली होना चाहिए एसीटाबुलम मतलब दिस इज द एसीटाबुलम ये एसीटाबुलम जो है वो लेटरली होना चाहिए ये लेटरली प्लेस्ड है तो इस तरह से जब हम लोग इसको प्लेस करते हैं और जो प्यूबिस का जो प्यूबिस सिम्फाइसिस वाला पार्ट होना चाहिए वो मीडियली होना चाहिए तो जब हम लोग इसको ऐसे प्लेस करते हैं तो उससे हम लोगों को पता चल जाता है इसको ये ऐसे हम लोग पकड़ करके और इससे हम लोग इसका साइड डिटरमाइन कर देते हैं कि दिस इज़ अ हिप बोन ऑफ अ राइट साइड क्योंकि इसका जो ये इलियम वाला पार्ट है ये हमने सुपीरियरली प्लेस किया जो एसिटाबुलम है दिस इज द एसिटाबुलम ये हमने लेटरली प्लेस किया और जो प्यूबिक सिम्फाइसिस वाला पार्ट है वो मीडियली प्लेस किया तो उससे हमने बता दिया कि दिस इज़ अ बोन ऑफ द राइट साइड हिप बोन ऑफ द राइट साइड अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द एनाटोमिकल पोजिशन में कैसे होल्ड करते हैं इस हिप बोन को सो so, इस हिप बोन को एनाटोमिकल पोजिशन में पकड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो सिम्फाइजियल सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ़ द प्यूबिस होता है वो मीडियम प्लेन में होना चाहिए मतलब कि जो बॉडी ऑफ द प्यूबिस का ये जो सिम्फाइजियल सर्फेस है उसको हम लोग एक प्लेन में रखेंगे जो कि मीडियम प्लेन होगा सबसे पहला काम हमने ये किया नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि जो प्यूबिक टिबरकल होता है और एंटीरियर सुपेरियर एलियक स्पाइन होता है वो सेम कोरोनल प्लेन में होना चाहिए मीन्स ये जो प्यूबिक ट्यूबरकल देखने को मिलता है और ये जो एंटीरियर सुपेरियर एलिय स्पाइन है ये दोनों के दोनों जो होने चाहिए वो सेम प्लेन में होना चाहिए मतलब समथिंग लाइक दिस एक ऐसे प्लेन बनाया जाए तो उसको ऐसे सेम प्लेन में रखेंगे क्लियर ये जो इलियम है वो तो सुपीरियरली प्लेस्ड होना ही चाहिए तो ऐसे कर करके हम लोग इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ते हैं जिसमें हम लोग जो सिम्फाइजियल सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द प्यूबिस होता है उसको मीडियम प्लेन में रखते हैं और जो प्यूबिक ट्यूबरकल और एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है उसको एक सेम प्लेन में रखते हैं और ऐसे करके इस बोन को हम लोग पकड़ते हैं जिस साइड का ये बोन है उस हैंड में हम लोग इसको पकड़ते हैं जैसे ये राइट right साइड का हिप बोन है तो इसको हम लोग राइट right हैंड में पकड़ेंगे अगर ये लेफ्ट साइड का हिप बोन होता तो उसको हम लोग लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं तो ये था कैसे इस बोन को एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ते हैं अब इस बोन को पढ़ने के लिए इनके फीचर्स और अटैचमेंट्स को जानने के लिए हम लोग इलियम के फ़ीचर्स ऑफ और अटैचमेंट्स समझेंगे पहले फिर इशियम और प्यूबिस के प्यूबिस के समझेंगे तो सबसे पहले डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द इलियम पार्ट ऑफ द हिप बोन सो so, ये जो इलियम पार्ट ऑफ द हिप बोन होता है इस इलियम पार्ट ऑफ द हिप बोन के दो एंड होते हैं एक ये अपर एंड होता है दिस इज द अपर एंड और एक लोअर एंड होता है जिसको हम लोग ये कहते हैं दिस इज द लोअर एंड ये जो अपर एंड होता है उसको हम लोग इलियक क्रेस्ट कहते हैं ये जो पूरा का पूरा अपर एंड है इसको हम लोग कहते हैं इलियक क्रेस्ट दिस फुल अपर एंड इज नोन एज द इलियक क्रेस्ट और जो लोअर एंड होता है दिस इज द लोअर एंड जो कि फॉर्म करता है अपर टू फिफ्थ ऑफ द एसिटेबुलम ये पूरा का पूरा एसिटोबुलम का जो अपर टू फिफ्थ पार्ट है वो लोअर एंड ऑफ द इलियम फॉर्म करता है तो इसके दो एंड हो गए एक अपर एंड हो गया और एक लोअर एंड हो गया उसके बाद इसके तीन बॉर्डर्स होते हैं इस एलियम के तीन बॉर्डर्स होते हैं एक होता है एंटीरियर बॉर्डर एक होता है पोस्टीरियर बॉर्डर और एक होता है मीडियल बॉर्डर। एंटीरियर बॉर्डर जो होगा एक होगा एंटीरियर बॉर्डर एक होगा पोस्टीरियर बॉर्डर और एक होगा मीडियल बॉर्डर इसको हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी और इसके तीन सरफेसेस होते हैं एक होता है ग्लूटियल सरफेस, एक होता है इलियक सरफेस और एक होता है सैक्रोपेल्विक सरफेस। अब इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या बोला सबसे पहले हमने कहा कि इसके दो एंड होते हैं एक अपर एंड होता है जिसको हमने कहा इलियक क्रेस्ट इस इलियक क्रेस्ट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं ये जो क्रेस्ट होता है वो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से पोस्टीरियर सुपीरियर एलियक स्पाइन तक एक्सटेंड करता है ये जो आगे की तरफ ये स्पाइन देखने को मिल रहा है इसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर एलियक स्पाइन और ये जो पीछे की तरफ ये जो स्पाइन देखने को मिल रहा है इसको हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर सुपीरियर एलियक स्पाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पूरा अपर एंड होता है इसको हम लोग कहते हैं एलिय क्रेस्ट क्लियर अब इस एलियर क्रेस्ट जो होगा इसको हम लोग अगर ऊपर से ऐसे होल्ड करके देखें तो हम लोग को पता चलता है कि ये आगे की तरफ से मतलब आगे की तरफ से फ्रंट से ये हम लोगों को देखने को मिलता है कनकेव इनवर्ड्स क्लियर और बैक से हम लोग को देखने को मिलता है कनकेव आउटवर्ड्स तो आगे की तरफ से हम लोगों को कनकेव कनकेविटी इनवर्ड्स देखने को मिल रहा है और पीछे की तरफ से हम लोगों को कनकेविटी आउटवर्ड्स देखने को मिल रहा है क्लियर अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके मॉर्फोलॉजिकल डिविजन्स के बारे में तो ये जो एलिया क्रेस्ट होता है इसके दो सेगमेंट्स होते हैं एक होता है इसका विंट्रल सेगमेंट और एक होता है इसका डॉर्सल सेगमेंट ये जो एंटीरियर वाला ये जो सेगमेंट है जो कि मोर देन एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द क्रेस्ट को बना रहा है इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रल सेगमेंट ऑफ द एलियर क्रेस्ट और जो लेस देन पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द क्रेस्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं डॉर्सल सेगमेंट ऑफ द एलियर क्रेस्ट तो दो सेगमेंट हो गए वेंट्रल सेगमेंट एंड डॉर्सल सेगमेंट ये जो पूरा का पूरा वेंट्रल सेगमेंट होता है ये वेंट्रल सेगमेंट के भी तीन पार्ट्स होते हैं एक होता है आउटर लिप जो ये बाहर की तरफ लिप देखने को मिलता है उसको हम लोग कहते हैं आउटर लिप दिस इज द आउटर लिप ओके उसके बाद एक होता है इनर लिप जो अंदर की तरफ देखने को मिल रहा है दिस इज द इनर लिप ऑफ द इलिया क्रेस्ट और बीच में जो प्रेजेंट होता है एरिया उसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट एरिया तो ये टोटल तीन पार्ट्स हो गए ऑफ़ द वेंट्रल सेगमेंट ऑफ द इलिया क्रेस्ट जो कि एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द क्रेस्ट बना रहा है तो ये एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द क्रेस्ट को हमने कहा वेंट्रल सेगमेंट ऑफ द इलिय क्रेस्ट जिसके तीन पार्ट हो गए एक हो गया आउटर लिप एक हो गया इनर लिप और एक हो गया इंटरमीडिएट लिप क्लियर और इंटरमीडिएट एरिया नेक्स्ट इसी वेंट्रल सेगमेंट में हम लोगों को ट्यूबरकल ऑफ द इलिय क्रेस्ट भी देखने को मिल रहा है ये जो देखने को मिल रहा है एलिवेशन जिसको हम लोग कहते हैं ट्यूबरकल ऑफ़ द एलिय क्रेस्ट ये ट्यूबरकल ऑफ द एलिय क्रेस्ट जो होता है वो फाइव सेंटीमीटर बिहाइंड द एंटीरियर सुपीरियर एलिय स्पाइन प्रेजेंट होता है मतलब एंटीरियर सुपीरियर एलिया के स्पाइन के फाइव सेंटीमीटर बिहाइंड हम लोगों को ये ट्यूबरकल देखने को मिलता है नेक्स्ट इसके अंदर ये जो डॉर्सल सेगमेंट प्रेजेंट होता है ये डॉर्सल सेगमेंट जो होता है वो लेस देन वन थर्ड ऑफ द क्रेस्ट लेस देन पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द क्रेस्ट बनाता है और ये कनकेव आउटवर्ड्स होता है इसकी कनकेविटी जो होती है वो आउटवर्ड्स की तरफ होती है क्लियर तो ये मॉर्फोलॉजिकल डिवीजनस हमने देख लिए एलिया क्रेस्ट के और क्रेस्ट के डिफरेंट पार्ट्स देख लिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट द बॉर्डर्स जो कि हम लोग को देखने को मिलता है फर्स्ट वन द एंटीरियर बॉर्डर देन पोस्टीरियर बॉर्डर एंड देन द मीडियल बॉर्डर सो सबसे पहले हम लोग एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम को डिस्कस करेंगे तो इलियम का जो एंटीरियर बॉर्डर होता है वो एंटीरियर सुपीरियर एलिय के स्पाइन से लेकर के और एसिटाबुलम तक प्रेजेंट होता है ये कैविटी जो है उसको हम लोग ने एसिटाबुलम कहा था तो ये जो एंटीरियर सुपीरियर एलिया के स्पाइन से लेकर के और नीचे की तरफ एसिटाबुलम तक जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम इस एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियम में एक नॉच प्रेजेंट होता है जस्ट एंटीरियर सुपीरियर एलियर स्पाइन के नीचे एक ये नॉच देखने को मिल रहा है एक डिप्रेशन देखने को मिल रहा है और इस नॉच के जस्ट नीचे हम लोगों को एक और स्पाइन देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं एंटीरियर इन्फीरियर एलिया के स्पाइन तो एंटीरियर सुपीरियर एलिया के स्पाइन से लेकर के एसिटाबुलम तक हमें एंटीरियर बॉर्डर देखने को मिला जिसके अंदर अपर पार्ट में हम लोगों को एक नॉच देखने को मिला और उसके नीचे एक और स्पाइन देखने को मिला जिसको हमने कहा एंटीरियर इन्फीरियर एलिया के स्पाइन ये था एंटीरियर बॉर्डर एंटीरियर बॉर्डर के बाद हम लोग देखेंगे पोस्टीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द इलियक इलियम जो होता है वो स्टार्ट होता है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से और ये जाता है अपर एंड ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ़ द एशियम तक तो यहाँ से हमें पता है कि यहाँ से एशियम स्टार्ट हो जाता है एशियम जो होता है ये एशियम का पेल्विक सरफेस हो जाता है तो एशियम के अपर बॉर्डर तक अपर एंड तक जो हम लोग का होता है वो होता है हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर मतलब पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर के और ये पूरा का पूरा जो है वो है पोस्टीरियर बॉर्डर इस पोस्टीरियर बॉर्डर के अंदर हम लोगों को क्या क्या देखने को मिल रहा है एक तो पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन देखने को मिल रहा है एक पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन दिस इज द पोस्टीरियर इन्फीरियर इलिया स्पाइन और एक हम लोगों को देखने को मिलता है नॉच जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेटर सियाटिक नॉच क्लियर तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियल बॉर्डर मीडियल बॉर्डर जो होता है इलियम का दिस इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ द इलियम ये मीडियल बॉर्डर जो है वो हम लोग को दिख रहा है कि क्रिस्ट से स्टार्ट हो रहा है ये पूरा का पूरा अपर एंड जो था उसको हमने क्रिस्ट कहा था तो ये इलियक क्रेस्ट से स्टार्ट होता है और इलियो प्यूबिक एमिनेंस तक जाता है यहाँ पे एक एमिनेंस है जिसको हम लोग इलियो प्यूबिक एमिनेंस कहते हैं तो इलियक क्रेस्ट से लेकर के इलियो प्यूबिक एमिनेंस तक ये जो बॉर्डर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं मीडियल बॉर्डर और ये जो मीडियल बॉर्डर होता है वो सेपरेट करता है इलियक फोसा को फ्रॉम द सैक्रोपेल्विक सर्फेस हम लोग अभी सर्फेस डिस्कस करेंगे इलियम के जिसमें हमने कहा हम लोग देखेंगे कि दिस इज नोन एज द इलियक फोसा एंड दिस इज नोन एज द सैक्रोपेल्विक सर्फेस इन दोनों को सेपरेट करता है कौन ये मीडियल बॉर्डर ऑफ़ द एलियम तो ये हमने डिटेल में डिस्कस किया अबाउट द थ्री बॉर्डर्स ऑफ द एलियम दैट इज़ एंटीरियर बॉर्डर पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मिलियर एंड मीडियल बॉर्डर अब हम लोग डिस्कस करेंगे तीन सरफेसेस दैट इज ग्लूटियल सर्फेस फोसा एंड सैक्रोपेल्विक सर्फेस के बारे में सो so, ये हमने देखा बोन हिप बोन में अब हम लोग सरफेसेस को डिस्कस कर रहे हैं तो इस इलियम के टोटल हमने कहा तीन सरफेसेस होते हैं अगर इसको ऐसे एनाटॉमिकल पोजिशन में पकड़े और फिर वहाँ से हम लोग इसके सर्फेसेस गिनने को स्टार्ट करें तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो मीडियल लाइन है ये जो मीडियल बॉर्डर था मीडियल बॉर्डर के फ्रंट में जो ये सरफेस है इसको हम लोग कहते हैं फोसा uh, इसके जस्ट बिहाइंड जो सरफेस प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सैक्रोपेल्विक सरफेस और जो इस साइड प्रेजेंट होता है इसको हम लोग कहते हैं ग्लूटियल सरफेस जो कि आउटर सरफेस ऑफ द इलियम होता है इसको हम लोग कहते हैं ग्लूटियल सरफेस तो एक एक करके इन सर्फेसेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे ग्लूटियल सर्फेस के बारे में तो इस बोन को अब मैं ऐसे टर्न करता हूँ और ग्लूटियल सर्फेस को डिस्कस करते हैं ये जो ग्लूटियल सर्फेस है वो हम लोगों को पता है कि इट इज़ द आउटर सर्फेस ऑफ द इलियम और ये जो होता है कन्वेक्स होता है इन फ्रंट और कनकेव होता है बिहाइंड इसको हम लोग अगर टच करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे कन्वेक्सिटी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे कनकेविटी देखने को मिल रहा है तो इट इज़ कन्वेक्स इन फ्रंट एंड इट इज़ कनकेव बिहाइंड इस ग्लूटियल सरफेस के अंदर इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर तीन ग्लूटियल लाइन्स होते हैं ओके okay? एक होता है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन एक होता है एक होता है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन एक होता है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और एक होता है इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन तीन ग्लूटियल लाइन होते हैं पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन जो होता है वो फाइव सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से स्टार्ट होता है मतलब ये जो पोस्टीरियर इलियक स्पाइन है पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है इसके फाइव सेंटीमीटर फ्रंट से ये स्टार्ट होगा और अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नॉच में जाएगा इस पूरे नॉच को हमने ग्रेटर सियाटिक नॉच कहा था ये इसका अपर बॉर्डर है ये इसका लोअर बॉर्डर है और ये इसका एपेक्स है क्लियर तो फाइव सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द पोस्टीरियर इलेक सुपीरियर इलेक्क स्पाइन से स्टार्ट होगा और अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर सियाटिक नौच तक जाएगा इस बॉर्डर इस लाइन को हम लोग कहते हैं पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन क्लियर नेक्स्ट इज द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंटीरियर ग्लूटियल लाइन जो होता है वो फोर सेंटीमीटर बिहाइंड एंटीरियर सुपेरियर इलेक्क स्पाइन से स्टार्ट होता है दिस इज द एंटीरियर सुपेरियर इलेक्क स्पाइन और इसके फोर सेंटीमीटर बिहाइंड से स्टार्ट होता है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और ये जाता है टू द अपर बॉर्डर ऑफ द ग्रेटर नोच दिस इज़ द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड नेक्स्ट इज द इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन जो होता है वो स्टार्ट होता है बिहाइंड एंटीरियर सुपीरियर लिक स्पाइन ये एंटीरियर सुपीरियर लिक स्पाइन है इसके बिहाइंड स्टार्ट होता है और ये जाता है टू द एपेक्स ऑफ द ग्रेटर सियाटिकनोच लाइक दिस सो दिस इज़ द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन दिस इज द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड दिस इज द इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन ओके तो ये तीन लाइन्स इंपॉर्टेंट है जो कि हम लोगों को ग्लूटियल सर्फेस में देखने को मिलता है तो इस सर्फेस के फीचर्स में हम लोगों को इतना ही जानना है नेक्स्ट हम लोग इलियक फोसा के कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं तो एलियक फोसा कह सकते हैं कि इट इज़ द इनर सर्फेस ऑफ द एलियम यस ये इनर सर्फेस ऑफ द एलियम होता है और ये सिचुएटेड होता है इन द फ्रंट ऑफ द मीडियल बॉर्डर क्लियर नेक्स्ट साइक्रोपेल्विक सर्फेस जो होता है उस ये सैक्रोपेल्विक सर्फेस जो होगा वो मीडियल बॉर्डर ऑफ द इलियम के बिहाइंड प्रेजेंट है और इसके वन सेगेंड तीन पार्ट्स होते हैं फर्स्ट इज इलियक ट्यूब्रोसिटी सेकेंड इज ऑरिकुलर सर्फेस एंड थर्ड इज पेल्विक सर्फेस ये जो ट्यूब्रोसिटी देखने को मिल रहा है हम लोगों को इस ट्यूब्रोसिटी को हम लोग कहते हैं इलियक ट्यूब्रोसिटी ये पूरा का पूरा जो ट्यूब्रोसिटी है वो हो गया इलियक ट्यूब्रोसिटी ये जो एक पिन्ना शेप्ड सरफेस देखने को मिल रहा है इसको हम लोग कहते हैं ऑरिकुलर सरफेस ये ऑरिकुलर सरफेस ही होता है जो कि आर्टिकुलेट करता है विद द सैक्रम और बनाता है सैक्रो इलियक ज्वाइंट सैक्रम और इलियम के बीच में जॉइंट सैक्रो इलियक ज्वाइंट तो एक हो गया इलियक ट्यूब्रोसिटी एक हो गया ऑरिकुलर सर्फेस जो कि बनाता है सैक्रम के साथ जुड़ करके सैक्रो इलियक जॉइंट और ये जो सरफेस होता है इसको हम लोग पेल्विक सरफेस कहते हैं ये जो पेल्विक सरफेस होता है इसके अंदर एक सल्कस प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्री ऑरिकुलर सल्कस मतलब ये जो ऑरिकुलर सरफेस है उसके पहले एक सल्कस है इस वजह से इसको हमने कहा प्री ऑरिकुलर सल्कस ये प्री ऑरिकुलर सल्कस जो होता है इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि फीमेल्स के अंदर ये जनरली ज़्यादा डीपर होता है दैन इन मेल्स तो ये सेक्स uh, डिटर्मिनेशन में हेल्प कर सकता है तो ये प्री ऑरिकुलर सल्कस हो गया दिस इज द प्री ऑरिकुलर सल्कस तो ये टोटल तीन पार्ट हो गए सैक्रो पेल्विक सर्फेस के फर्स्ट इज द इलियक ट्यूब्रोसिटी सेकेंड इज द ऑरिकुलर सर्फेस एंड थर्ड इज द पेल्विक थर्ड इज द पेल्विक सर्फेस क्लियर ये था पूरा फीचर्स ऑफ द इलियम हमने डिस्कस किया अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द अटैचमेंट्स जो कि हम लोगों को इलियम पे देखने को मिलते हैं सो so नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द अटैचमेंट्स इन दिस इलियम तो इस हिप बोन के इलियम पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं कौन कौन से मसल का ऑरिजिन होता है कौन कौन से मसल्स का इंसर्शन होता है तो बहुत ही सिंपली हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे दो स्ट्रक्चर्स अटैच्ड होती हैं पहला तो यहाँ से ओरिजिन होता है सार्टोरियस मसल का और दूसरा यहाँ पे अटैचमेंट होता है इंग्वाइनल लिगामेंट का इंगवाइनल लिगामेंट के लेटरल एंड का तो दो स्ट्रक्चर्स यहाँ पे अटैच हो गई तो जैसे ही हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे सार्टोरियस मसल का ओरिजिन होता है यहाँ से तो हम लोग से पूछा जा सकता है वाईवास के अंदर कि इसका फिर इंसर्शन कहाँ पर होता है तो सार्टोरियस मसल जो होती है वो इंसर्ट होती है एट द अपर पार्ट ऑफ शाफ्ट ऑफ टिबिया तो टिबिया के शाफ्ट के अपर पार्ट में उसका इंसर्शन होगा ये सार्टोरियस मसल जो कि यहाँ से ओरिजिन करेगी और उसका नर्व सप्लाई भी पूछा जा सकता है तो सार्टोरियस मसल का नर्व सप्लाई क्या हो जाएगा फिमोरल नर्व हो जाएगा तो ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस भी मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा जो कि आपको पूछे जा सकते हैं बाईवास के अंदर क्लियर नेक्स्ट हम लोग जो बात करेंगे अटैचमेंट वो बात करेंगे अटैचमेंट जो कि अपर जो कि आउटर लिप ऑफ द क्रेस्ट में होता है तो ये जो इलिया क्रेस्ट का ये जो आउटर लिप था इसमें अब कौन कौन से स्ट्रक्चर अटैच होती हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे तो इसमें मेनली तीन मसल्स का अटैचमेंट होता है और दो और स्ट्रक्चर्स का अटैचमेंट होता है तो टोटल पांच अटैचमेंट्स याद रख सकते हैं सबसे पहले कि पूरे के पूरे एक्सटेंट पे अटैचमेंट होता है फेशियल आटा का तो जो फेशियल आटा होता है वो आउटर लिप ऑफ द एलिया क्रिस्ट के पूरे के पूरे एक्सटेंट में अटैच होती है और इलियो टिबियल ट्रैक्ट होता है जो कि अटैच होता है ट्यूबरिकल से तो इलियो टिबियल ट्रैक्ट जो होता है वो इस एलिया क्रिस्ट के ट्यूबरिकल से जाकर के अटैच होता है ये दो अटैचमेंट याद हो गए इसके बाद आउटर लिप में हम लोगों को तीन मसल्स का अटैचमेंट देखने को मिलता है सबसे पहले ओरिजिन होता है टेंसर फेशियल आटा का टेंसर फेशियल आटा जो होता है वो ओरिजिन करता है फ्रॉम द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द आउटर लिप ऑफ द इलिया क्रिस्ट और अप टू प्यूबिक अप टू द ट्यूबरकल ये जो ट्यूबरकल है यहाँ तक जो आउटर लिप है uh, इस इलिया क्रिस्ट का वहाँ से ओरिजिन होता है टेंसर फेशियल आटा का नेक्स्ट इज लेटिसमस डोरसाई लेटिसमस डोरसाई जो होता है उसका ओरिजिन जो होता है वो होता है बिहाइंड द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द क्रेस्ट ये जो इलिया क्रेस्ट है इस इलिया क्रेस्ट को अगर हम लोग एनाटॉमिकल पोजिशन में पकड़ते हैं इस पूरे हिप बोन को तो एनाटॉमिकल पोजिशन पे पकड़ने पे हम लोगों को समझ में आता है कि इस पूरे के पूरे इलिया क्रेस्ट का एक हाइएस्ट पॉइंट होता है उस हाइएस्ट पॉइंट के बिहाइंड जाकर के ओरिजिन होता है लेटिसमस डोरसाई का आउटर लिप से क्लियर तो दो ओरिजिन समझ में आ गया हम लोगों को आउटर लिप का एक हो गया टेंसर फेशियल आटा एक हो गया टेंसर फेशियल आटा और एक हो गया लेटेसमस डोरसाई जो कि बिहाइंड द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द क्रेस्ट वहाँ से ओरिजिन करती है नेक्स्ट एक मसल का इंसर्शन होता है इन द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द आउटर लिप ऑफ द क्रेस्ट जिसका नाम है एक्सटर्नल ऑब्लिक तो ये जो एंटीरियर टू थर्ड है ये जो पूरा का पूरा एंटीरियर टू थर्ड पार्ट है इस पूरे एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द इलिय क्रेस्ट के आउटर लिप पे इंसर्शन होता है एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल का क्लियर सो so, अब आउटर लिप में हमने अटैचमेंट्स देख लिया अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरमीडिएट एरिया में क्या क्या अटैचमेंट्स होते हैं तो ये जो इंटरमीडिएट एरिया होता है यहाँ से ओरिजिन होता है एक ही मसल का जिसका नाम है इंटरनल ऑब्लिक मसल तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है और इसमें भी स्पेशली जो एंटीरियर टू थर्ड पार्ट है वहाँ से ओरिजिन होता है इंटरनल ऑब्लिक मसल का इंटरमीडिएट एरिया से नेक्स्ट इनर लेप लिप पे अगर हम लोग अटैचमेंट देखें तो इनर लिप पे मेनली हम लोगों को दो अटैचमेंट्स याद रखनी है एक ओरिजिन ऑफ द ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस और दूसरा ओरिजिन ऑफ द क्वाड्रेटस लैम्बोरम जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस है उसका ओरिजिन होता है इस एंटीरियर टू थर्ड पार्ट से तो ये जो एंटीरियर टू थर्ड पार्ट ऑफ द इनर इनरप ऑफ लिप ऑफ द इलिया क्रिस्ट है यहाँ से ओरिजिन होगा ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस का और उससे एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स का जैसे कि फेशिया ट्रांसवर्सैलिस हो गया और फेशिया इलियाका हो गया क्लियर ये जो पोस्टीरियर वन थर्ड पार्ट है इस इस इनर लिप का यहाँ से ओरिजिन होता है क्वाड्रेटस लम्बोरम का तो क्वाड्रेटस लम्बोरम यहाँ से ओरिजिनेट करेगा और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड फेशिया जो है जिसका नाम है थोरेको लंबर फेशिया उसका यहाँ से ओरिजिन होता है तो उसका यहाँ से अटैचमेंट होता है तो मेनली दो मसल्स का हम लोगों को यहाँ पर अटैचमेंट दिखा इनर लिप पर एक हो गया ट्रांसफर्स एबडोमिस और एक हो गया क्वाड्रेटस लम्बोरम तो ये हमने पूरा देख लिया कि कैसे आउटर लिप पे हम लोगों को अटैचमेंट्स देखने को मिल रहा है मेनली तीन मसल्स का जिसमें टेंसर फेशियल लाटा होती है जिसमें लेटिसमस डोरसाई होता है इन दोनों का ओरिजिन होता है और एक्सटर्नल ऑब्लिक का इंसर्शन होता है उसके बाद हमने देखा इंटरमीडिएट एरिया से ओरिजिन होता है इंटरनल ऑब्लिक मसल का और उसके बाद हमने देखा कि जो आउट इनर लिप होता है वहाँ पे जा करके ओरिजिन होता है आगे की तरफ से ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस का और पीछे की तरफ से अटैचमेंट होता है या फिर ओरिजिन होता है किसका क्वाड्रेटस लैम्बोरम का नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें डॉर्सल सेगमेंट ऑफ द क्रेस्ट ये क्रेस्ट का ये जो डॉर्सल सेगमेंट है इसके दो स्लोप्स होते हैं एक लेटरल स्लोप होता है जो कि आउटवर्ड स्लोप होता है और एक मीडियल स्लोप होता है जो कि इन्वर्ट स्लोप होता है तो ये जो लेटरल स्लोप या फिर आउटवर्ड स्लोप है ये जो तो लेटरल स्लोप या फिर आउटवर्ड स्लोप है डॉर्सल सेगमेंट ऑफ द क्रेस्ट का यहाँ से ओरिजिन करता है ग्लूटियस मैक्सिमस और ये जो मीडियल स्लोप है जो कि इन्वर्ट स्लोप है इस डॉरसल सेगमेंट ऑफ द एलिय क्रेस्ट का वहाँ से ओरिजिन करता है इरेक्टर स्पाइनी मसल तो ये दो मसल्स को हम लोगों को यहाँ पे ओरिजिन याद रखना है एक ग्लूटियस मैक्सिमस और एक हो जाएगा इरेक्टर स्पाइनी सो so अगर डायग्रामेटिकली हम लोग इस एलियम इलिय, इलियम बोन के इलियम पार्ट ऑफ द हिप बोन के अपर एंड को ड्रॉ करें तो हम लोग को पता है कि ये पूरा का पूरा इलिया क्रिस्ट हो जाएगा इसका ये आउटर पार्ट हो जाएगा ये इंटरमीडिएट एरिया हो जाएगा और ये इनर पार्ट हो जाएगा तो जो मसल्स के अटैचमेंट होते हैं वो कुछ इस तरह होते हैं कि जो आउटर लिप हो जाएगा वहाँ पर अटैच्ड होता है टेंसर फेशियल आटा का वहाँ से ऑरिजन होता है जो कि होता है टेंसर फेशियल आटा का ओरिजिन होता है जो कि एंटीरियर पार्ट से होता है इसके थोड़े पोस्टीरियर पार्ट से लेटेस्टमस्ट डॉर्साई का ओरिजिन होता है और मतलब जो कि बिहाइंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द क्रेस्ट होता है और एक्सटर्नल ऑब्लिक जो होता है उसका इंसर्शन होता है पूरे के पूरे एंटीरियर टू थर्ड पार्ट में क्लियर तो ये तीन मसल्स हैं जो कि अटैच्ड होती हैं टू द आउटर लिप ऑफ द इलिया क्रिस्ट इंटरमीडिएट एरिया में जो हम लोगों को ओरिजिन देखने को मिलता है वो इंटरनल ऑब्लिक मसल का देखने को मिलता है ये इंटरनल ऑब्लिक मसल है इसका ओरिजिन हम लोगों को इंटरमीडिएट एरिया ऑफ द एलिय क्रेस्ट में देखने को मिलता है पूरे के पूरे एंटीरियर टू थर्ड पार्ट से क्लियर नेक्स्ट इनर लिप्ट की अगर हम लोग बात करें तो इनर लिप्ट में हमने कहा कि दो मसल्स इंपॉर्टेंट प्रेजेंट होती है एंटीरियर टू थर्ड में जो प्रेजेंट होती है मसल उसका नाम है ट्रांसवर्सस सेबडोमिस और पोस्टीरियर वन थर्ड में प्रेजेंट होती है क्वाड्रेटस लैम्बोरम तो एंटीरियर टू थर्ड से ओरिजिन होता है ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस का और पोस्टीरियर वन थर्ड से ओरिजिन होता है क्वाड्रेटस लैम्बोरम का ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस और उसके उससे एसोसिएटेड फेशियाज भी अटैच्ड होते हैं यहाँ पे जैसे फेशिया ट्रांसवर्सैलिस हो जाएगा फेशिया इलियाका हो जाएगा जबकि क्वाड्रेटस लेबोरम का जो ओरिजिन होता है उसके साथ साथ जो अटैचमेंट देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है थोरेकोलंबर फेशिया का तो ये हमने लिप्स क्लियर कर लिया ये इलिया पे अटैचमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है पूछे जाते हैं सो नेक्स्ट डॉर्सल सेगमेंट की अगर हम लोग बात करें जो कि एक्चुअली में पोस्टीरियर वन थर्ड होता है इस डॉरसल सेगमेंट से में हम लोगों को दो स्लोप देखने को मिलते हैं एक लेटरल स्लोप और एक मीडियल स्लोप लेटरल स्लोप से ओरिजिन होता है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल का और मीडियल स्लोप से ओरिजिन होता है इरेक्टर स्पाइनी मसल का क्लियर तो ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जा सकती हैं जब हमसे इलियक्रिस्ट पूछा जा सकता है इसमें हमसे और क्या पूछा जा सकता है और ये जैसे कि ये एंटीरियर सुपीरियर रिलिय स्पाइन है यहाँ पे सार्टोरियस का ओरिजिन होता है यहाँ से और लेटरल एंड ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट का यहाँ से अटैचमेंट होता है तो इसके अलावा हमसे पूछा जा सकता है एक तो सार्टोरियस के बारे में हमसे पूछा जा सकता है कि इसका ओरिजिन यहाँ से तो होता ही है पर इंसर्शन कहाँ पर होता है और नर्व सप्लाई क्या होती है नेक्स्ट हमसे टेंसर फेशियल लाटा के बारे में पूछा जा सकता है कि इसका ओरिजिन तो होता है एंटीरियर फाइव सेंटीमीटर ऑफ द आउटर लिप ऑफ द क्रेस्ट में ऐसा कहा जाता है कि ये जो एंटीरियर फाइव सेंटीमीटर ऑफ द आउटर लिप ऑफ द क्रेस्ट है अप टू द ट्यूबरकल ऑफ़ द एलियर क्रेस्ट वहाँ से इसका ओरिजिन होता है इसका इंसर्शन कहाँ पे होता है तो इस टेंसर फेशियल लाटा जो है वो नीचे की तरफ जा करके और इंसर्ट करती है एलियोटिबियल ट्रैक्ट से ये एलियोटिबियल ट्रैक्ट्स पे जहाँ पे इंसर्ट करती है वो एक्चुअली में उस पार्ट पे जाकर के इंसर्ट करती है जो कि थ्री टू फाइव सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ क्रेटर ट्रोकंटर होता है तो वहाँ पे जाकर के इसका इंसर्शन होता है और इस टेंसर फेशियल आटा का नर्व सप्लाई होता है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व ठीक है तो ये एक टेंसर फेशियल आटा इससे पूछा जा सकता है इसका ओरिजिन इंसर्शन नर्व सप्लाई एक्शन ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं क्लियर नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन है इससे क्या क्या अटैच होता है तो इससे ओरिजिन होता है स्ट्रेट हेड ऑफ़ द रेक्टस फिमोरिस का और यहाँ पे अटैच करता है इलियो इलियोफीमोरल लिगामेंट ठीक है तो इलियो इलियोफीमोरल लिगामेंट यहाँ पे अटैच करेगा और यहाँ पे ओरिजिन होगा स्ट्रेट हेड ऑफ़ द रेक्टस फेमोस का क्लियर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सरफेस पे अटैचमेंट जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्लूटियल सरफेस पे अटैचमेंट की तो जो ग्लूटियल सरफेस पे हम लोगों को अटैचमेंट देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह देखने को मिलता है कि हमने पहले देखा था कि जो ग्लूटियल सरफेस है उसको हमने तीन लाइन्स से डिवाइड किया था फोर एरियाज़ में सबसे पहली लाइन जो होती है वो होती है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन दूसरी लाइन जो होती है वो होती है एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और तीसरी लाइन जो होती है वो होती है इंटीरियर ग्लूटियल लाइन क्लियर पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन ये जो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है इसके बिहाइंड जो भी जो भी पार्ट ऑफ द इलियम है वहाँ से जो मसल ओरिजिन करती है वो होती है अपर फाइबर्स ऑफ ग्लूटियस मैक्सिमस मतलब ग्लूटियस मैक्सिमस का ओरिजिन होता है तो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के पीछे से ओरिजिन करेगा ग्लूटियस मैक्सिमस इस पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के जो बीच का एरिया है यहाँ से ओरिजिन होता है ग्लूटियस मीडियस का क्लियर ये जो एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है और ये जो इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन है इन दोनों के बीच का जो एरिया है यहाँ से ओरिजिन होता है ग्लूटियस मिनिमस का क्लियर तो ग्लूटियस मैक्सिमस का ओरिजिन हो गया ग्लूटियस मीडियस का हो गया और ग्लूटियस मिनिमस का हो गया अब ये जो इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन है और ये जो एसिटाबुलम का जो ये अपर बॉर्डर है इसके बीच में ये जो एरिया है यहाँ से ओरिजिन होता है रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ़ द रेक्टस फेमोरिस का क्लियर तो ये चार ओरिजिन हम लोगों को समझ में आ गए ग्लूटियस मैक्सिमस ग्लूटियस मीडियस ग्लूटियस मिनिमस और रिफ्लेक्टेड हेड और रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ़ द रेक्टस फेमोरिस क्लियर ये जो पूरा का पूरा एसिडबलम है इसको सराउंड करता है क्या कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट तो ये मार्जिन ऑफ द एसिडबलम बनाने का काम करता है कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट तो ये हमने सो so इसको मेमोराइज़ करने के लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ग्लूटियल सरफेस पे अटैचमेंट्स को मेमोराइज़ करने के लिए कि जो ये पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है इसके बिहाइंड ओरिजिन होता है ग्लूटियस मैक्सिमस का पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में ऑरिजिन होता है ग्लूटियस मीडियस का एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में ऑरिजिन होता है ग्लूटियस मिनिमस का इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन और ये जो पूरा का पूरा एसिटोबलम का बॉर्डर है उसके बीच में ऑरिजिन होता है रिफ्लेक्टेड हेड ऑफ़ द रेक्टस फेमोरिस का और ये जो पूरा का पूरा मार्जिन ऑफ द एसिटोबुलम है यहाँ पे अटैचमेंट होता है कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट का तो ये हम लोग एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं बोन से तो ये हमने ग्लूटियल सरफेस पे अटैचमेंट्स देख लिया नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोस इलियक सर्फेस इलियक सर्फेस या फिर इलियक फोसा जो है यहाँ से ओरिजिन करता है इलियाकस मसल तो एलियकस मसल का ओरिजिन होता है और वो भी अपर टू थर्ड ये जो अपर टू थर्ड वाला पार्ट है ना यहाँ से ओरिजिन होगा इलियाकस मसल का जो कि अटैचमेंट होता है फोसा में क्लियर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अटैचमेंट इन द एलियक टिब्रोसिटी ये जो इलियक टिब्रोसिटी है यहाँ पे एक्चुअली में तीन लिगामेंट का अटैचमेंट हम लोगों को याद रखना है मोस्ट ऑफ द पार्ट में यहाँ पे अटैचमेंट होता है इंटरऑशियस सैक्रो एलियक लिगामेंट का ठीक है तो मोस्ट ऑफ द पार्ट में अटैचमेंट होगा अटैचमेंट uh, होगा इंटरॉशियस सैक्रो इलियक लिगामेंट का पोस्टीरियरली अटैच होता है डॉर्सल सैक्रोइलियक लिगामेंट और सुपीरियरली अटैच होता है इलियो लंबर लिगामेंट क्लियर तो ये तीन अटैचमेंट्स हम लोगों को यहाँ पे याद रखने हैं ठीक है थीके? एक इंटरॉशियस सैक्रोइलियक लिगामेंट एक डॉर्सल सैक्रोइलियक लिगामेंट और एक इलियो लंबर लिगामेंट क्लियर नेक्स्ट अगर ऑरिकुलर सर्फेस की बात करें तो ये जो ऑरिकुलर सर्फेस होता है यहाँ पे अटैचमेंट होता है वेंट्रल सैक्रोइलियक लिगामेंट का यहाँ अटैचमेंट होता है वेंट्रल सैक्रोइलियक लिगामेंट का और ये जो पेल्विक सर्फेस होता है इस पेल्विक सर्फेस पे अटैचमेंट होता है वेंट्रल सैक्रो एलियक लिगामेंट का तो होता ही है जो कि ऑरिकुलर सर्फेस में भी हो रहा था उसके साथ साथ इसमें दो मसल्स का ओरिजिन होता है एक होती है पायरो पायरीफॉर्मिस और एक होता है ऑप्टोरेटर इंटरनस का अपर हाफ पार्ट तो ये जो पूरा का पूरा पेल्विक सरफेस है जो कि इलियम का पेल्विक सरफेस है यहाँ से पायरीफॉर्मिस का ओरिजिन होगा और ये जो ऑप्टोरेटर इंटरनस होती है ये पूरी की पूरी मसल ऐसे प्रेजेंट होती है ऑप्टोरेटर इंटरनस तो इसका जो अपर हाफ हो गया वो पेल्विक सरफेस ऑफ द इलियम में आ गया तो इस वजह से कहते हैं कि अपर हाफ ऑफ द ऑप्टोरेटर इंटरनस जो होता है वो ऑरिजिन करता है फ्रॉम द पेल्विक सरफेस ऑफ द इलियम तो अब हमने ये सारी मसल्स डिस्कस की तो जैसे ही हम लोग इस मसल्स को एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोगों से इन सारी मसल्स के ऑरिजिन नफ सप्लाई पूछे जा सकते हैं तो इस बोन से रिलेटेड इस इलियम पार्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट मसल्स के ऑरिजिन इंसर्सन नफ सप्लाई हमसे पूछे जा सकते हैं वो एक तो साटोरियस था जो हमने डिस्कस किया एक टेंसर फेशियल आटा हमने डिस्कस किया इसके अलावा ग्लूटियस मैक्सिमस मीडियस मिनिमस के बारे में पूछा जा सकता है और पायरीफॉर्मिस के बारे में पूछा जा सकता है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ग्लूटियस मैक्सिमस होता है उसका जो ओरिजिन होता है वो मेनली मतलब छः जगह से होता है तो छो जगह याद करना बहुत आसान होता है सबसे पहला ओरिजिन जो होगा उसका ऐसे याद रख लेते हैं हम लोग कि उसका ओरिजिन जो होगा वो पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन सबसे पहला ओरिजिन याद रख लेते हैं सेकेंड हो जाएगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ग्लूटियल सर्फेस ऑफ द इलियम मतलब पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन के पोस्ट के बिहाइंड ये जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ग्लूटियल सर्फेस ऑफ द इलियम है यहाँ से ओरिजिन होगा ये दूसरा पॉइंट हो गया तीसरा हो जाएगा आउटर स्लोप ऑफ द डॉर्सल सेगमेंट ऑफ द एलिया क्रिस्ट मतलब ये जो इलिया क्रिस्ट है इस एलिया क्रिस्ट का जो ये जो डॉर्सल सेगमेंट है इसके जो इसका जो लेटरल स्लोप है या फिर कह सकते हैं आउटर स्लोप है यहाँ से इसका ओरिजिन होगा तीसरा हो गया चौथा हो जाएगा डॉर्सल सरफेस ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द सैक्रम यहाँ पे जो सैक्रम ये सैक्रो पेल्विक सरफेस है जिसमें सैक्रम जाके अटैच होता है इस सैक्रम के लोअर पार्ट ऑफ द सैक्रम के डोर्सल सरफेस से भी अटैच ओरिजिन होता है ग्लूटियस मैक्सिमस का इससे अटैच्ड जो कॉकिक्स होता है उसके साइड से भी अटैचमेंट होता है ग्लूटियस मैक्सिमस का और जो सैक्रो ट्यूबरस लिगामेंट होता है।, है ये इश्ल स्पाइन होता है ये ईश्शियल ट्यूब्रोसिटी होता है और ये सैक्रम यहाँ सैक्रम होगा तो सैक्रम से ले करके और ये जो इशियल ट्यूब्रोसिटी होगा इसके बीच में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सैक्रो ट्यूब्रस लिगामेंट तो इससे भी ओरिजिन करता है ग्लूटियस मैक्सिमस ये टोटल छः पार्ट होते हैं जहाँ से ओरिजिन होता है ग्लूटियस मैक्सिमस का नेक्स्ट ये ग्लूटियस मैक्सिमस का इंसर्शन कहाँ होता है तो इसकी जो मेजर uh, पार्ट होता है ग्लूटियस मैक्सीम का जो मेजर थ्री फोर्थ पार्ट होता है वो जाकर के इंसर्ट करता है इलियोटिबियल ट्रैक्ट में क्लियर और इसका जो माइनर पार्ट होता है मतलब जो माइनर वन फोर्थ पार्ट होता है वो जाकर के इंसर्ट करता है ग्लूटियल ट्यूब्रोसिटी ऑफ द फीमर में तो ये सब जब हम लोग फीमर पढ़ेंगे डिटेल में तो हम लोग को समझ में आएगा कि इसका इंसर्शन कहाँ पर होता है इसलिए ये याद होना चाहिए नेक्स्ट पूछा जाता है कि नर्व सप्लाई ऑफ द ग्लूटियस मैक्सिमस क्या होता है तो इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व होता है तो यहाँ से तीन मसल्स का तो नर्व सप्लाई ऐसे याद होना चाहिए हम लोगों को ग्लूटियस मैक्सिमस मीडियस और मिनिमस का कम से कम कि ग्लूटियस मैक्सिमस का जो नर्व सप्लाई होता है वो होता है इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व और ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस का जो नर्व सप्लाई होता है वो होता है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व क्लियर नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है ग्लूटियस मीडियस के बारे में तो ऑब्वियस ही बात है कि जो ग्लूटियस मीडियस होता है वो ऑरिजन करता है वो उसका ओरिजिन होता है बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन ये जो एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है और पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है इसके बीच में ऑरिजन होता है किसका ग्लूटियस मीडियस का और इसका इंसर्शन होता है कहाँ पे तो ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर में जब हम लोग फीमर में ग्रेटर ट्रोकेंटर देखेंगे तो समझ में आएगा कि वहाँ पे इंसर्शन होता है इस ग्लूटियस मीडियस का और इसका नर्व सप्लाई बन सके क्या होता है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होता है नेक्स्ट ग्लूटियस मिनिमस तो ग्लूटियस मिनिमस का भी ओरिजिन कहाँ से होगा तो बिटवीन द एंटीरियर ग्लूटियल लाइन एंड बिटवीन इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन तो एंटीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में ओरिजिन होता है ग्लूटियस मिनिमस का और इसका इंसर्शन होता है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर में वन सेकेंड और इसकी भी नर्व सप्लाई जो होती है वो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होती है इन तीनों मसल्स के फंक्शंस कम से कम एक फंक्शन जो इसका मेजर फंक्शन होता है वो हम लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो ग्लूटियस मैक्सिमस था वो उसका जो चीफ फंक्शन होता है वो होता है एक्सटेंसर ऑफ द थाई एट द हिप जॉइंट वो क्या होते हैं कि थाई को एक्सटेंड करने का काम करते हैं एट द हिप जॉइंट मतलब अगर किसी को सिटिंग पोस्चर से इरेक्ट पोस्चर में आना है तो उसमें जो मेजर रोल होता है जिस मसल का उसका काम वो है ग्लूटियस मैक्सिमस का क्योंकि वो एक्सटेंसर है थाई का क्लियर ग्लूटियस मीडियस और मिनिमस जो होते हैं वो क्या होते हैं एबडक्टर्स ऑफ द थाई होते हैं तो वो थाई को एबडक्ट करने का काम करते हैं क्लियर नेक्स्ट एक मसल जो इससे पूछी जा सकती है वो है पायरीफॉर्मिस मसल जो हमने देखा कि जो पेल्विक सर्फेस से ओरिजिन कर रही है क्लियर तो पायरीफॉर्मिस जैसे ही आप नाम लोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि पायरीफॉर्मिस का ओरिजिन इन्सेशन बताओ तो पायरी फॉर्मिस मेनली दो जगह से ओरिजिन करती है मेजर ओरिजिन जो होता है इसका वो सैक्रम से होता है सैक्रम का जो थ्री देर आर एक्चुअली जो मिडिल थ्री पीसेस ऑफ द सैक्रम होते हैं उसके पेल्विक सर्फेस से इसका ओरिजिन होता है एज थ्री डिजिटेशन्स

और ये पैरिफॉर्मिस यहाँ से ओरिजिन कर करके और इंसर्ट करता है एज अ टेंडन इन द एपेक्स ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर तो मतलब इसका जो इंसेशन होगा वो ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर में होगा एज अ टेंडन होगा और अपेक्स ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर में होगा तो ये हमसे पूछा जाता है अगर हम लोग हम लोग ने इस वीडियो में इलियम मेनली डिस्कस किया इलियम पार्ट डिस्कस किया नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एशियम और प्यूबिस भी डिस्कस करेंगे इसके बारे में एक अप्लाइड पता होना चाहिए कि ये जो एलिय क्रेस्ट होता है ये इलिया क्रिस्ट का एक यूज़ होता है एक इम्पॉटेंस होता है कि इसको हम लोग बोन बायोप्सी में यूज़ करते हैं कि जब बोन बायोप्सी लेना होता है तो हम लोग इस इलिया क्रिस्ट बोन का ही यूज़ करते हैं इलिया क्रिस्ट का ही हम लोग यूज़ करते हैं क्लियर तो यहीं से हम लोग एस्पिरेट करते हैं जिससे हम लोग बोन बायोप्सी ले सकते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इलियम पार्ट ऑफ़ द हिप बोन इसके नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर फर्दर वीडियोज़ के अंदर हम लोग इशियम पार्ट और प्यूबिस पार्ट ऑफ द हिप बोन को भी डिस्कस करेंगे सो जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है जो भी डिस्कस किया है उसको पॉइंट वाइज उसको डायग्रामेटिकली नोट्स के अंदर उसको मैंशन किया है और साथ ही साथ जो क्वेश्चन इससे बन सकते हैं जैसे कि कौन कौन सी मसल्स को ओरिजिन इंसन ऑफ सप्लाई या फिर एक्शन इससे पूछा जा सकता है इस बोन्स का जब भी वाइवा होता है तो उसको भी मैंने मेंशन किया है उसके अंदर तो जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो भी उसमें मिल जाएंगे सो so, uh, अगर वो नोट्स इफ यू वॉन्ट दोज़ नोट्स यू कैन मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड येस इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब अवर चैनल थैंक यू